इन्फो फॉर पेशेंट। वो पेशेंट्स जिन में गले में हसासियत होती है, इसका मतलब ये होता है कि उनका गला सेंसिटिव हो गया है। अगर वो ठंडी पेप्सी कोक स्प्राइट या इस तरह की कोई कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे या कोई तली हुई चीज़ लेंगे, तो चूंकि हसासियत की वजह से फ़ौरन ही उनका गला वो कैच हो जाएगा इन्फेक्शन से। ऐसे पेशेंट्स जिन में इस तरह की हसासियत हो, एलर्जी हो, तो उनको इस तरह के स्पाइसी चीज़ें, ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये तली हुई चीज़ें, ये उनको अवॉइड करनी चाहिए। अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उनको ये मसला बार बार होगा और ज़्यादा होगा। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये फूड एलर्जीज़ होती हैं, जैसे वो अगर कोई लेमन या इस तरह की खट्टी चीज़ इस्तेमाल करेगा तो फ़ौरन गला सोर हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट्स की, तो जब उसको ये सिम्टम डिवेलप हो जाएगी तो ही बंदा उसकी ट्रीटमेंट कर सकता है। तो इनको अगर किसी को हसासियत है, सेंसिटिव है, तो इस भी डाइट से परहेज करना चाहिए। ऐसे पेशेंट जिनको माहौलियाती आलूदगी या डस्ट से एलर्जीज हो, तो ये पेशेंट्स को भी केयरफुल लाइफस्टाइल अपनाना पड़ता है। इनमें अपने नाक और गले की हिफाजत करनी पड़ती है। जैसे अगर बाहर बाइक यूज़ करें तो मास्क का इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें और नाक को बार बार पानी से साफ़ करें, गॉर्गल्स की आदत बनाएं और गाहे बगाहे एलर्जी की दवाइयों से उनका मसला काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सरफराज लतीफ़ है और मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ENT कंसल्टेंट हूँ। आज की हमारी टॉक है गले में ख़राबी होना या बार बार गले में इन्फेक्शन का होना, ये क्या बीमारी होती है और एग्जैक्ट इसकी कॉज क्या हो सकती है और ये इसको कैसे टेकअप करना चाहिए, क्या ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए और इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। तो याद रखिए, जो गले के मतलब जो सिम्टम्स मोस्टली होती है वो ये होती है कि गले में दर्द होना या निगलने में, स्वालो करने में दर्द होना और गले में इन्फेक्शन का महसूस होना और जिससे जिस्म में थकावट होना, दर्द होना या बुखार होना, या किसी पेशेंट को जो अक्सर हमें कंप्लेंट करते हैं कि जी गले में के पीछे वाले हिस्से में दाने बने हुए हैं और अक्सर खराश रहती है और गला इंतहाई सेंसिटिव है और जू ही खाने पीने में ऊंच नीच होती है और फौरन गला ख़राब हो जाता है। तो इन्फो फॉर पेशेंट, एक डिफरेंट जितनी भी मैंने आपको सिम्टम्स बताई हैं, ये तकरीबन सबका जो स्पेक्ट्रम है, पीछे कॉज है, वो डिफरेंट होती है। तो जब भी पेशेंट को थ्रोट के मतलब कॉम्प्लेंट होगी तो ऑब्वियसली ENT सर्जन को रिपोर्ट करेगा। तो हिस्ट्री से हमें काफ़ी हद तक हमें समझ आ जाती है कि ये गले में जो इसको प्रॉब्लम है ये एलर्जी की वजह से है, ये जो प्रॉब्लम है क्या उसे स्टमक से रिलेटेड इसे इशू है, उसको गले की में जो एलर्जी है वो प्रॉब्लम है, या कि इसको इन्फेक्टिव प्रॉब्लम है यानी कि टॉन्सिलाइटिस है जिससे इसमें बार बार इन्फेक्शन होती है। तो जो केयरफुल हिस्ट्री होती है वो हमें काफ़ी हद तक गाइड कर देती है। इसका मतलब आप ऐसे समझें कि अगर किसी पेशेंट में हसासियत डेवलप हो जाए, एलर्जी हो जाए, तो जो ही टेम्परेचर में तब्दीली होगी, खाने में ज़्यादा ठंडा गर्म का इस्तेमाल होगा, तो फौरन गला पकड़ा जाएगा, दर्द हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी, बुखार हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये मरीज़ काफ़ी इनका सेंसिटिव थ्रोट होता है। ऐसे मरीज़ों में जो हम सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं वो एहतियात ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि परहेज़ इलाज से बेहतर होता है। तो जितना वो परहेज़ करेंगे, अपने गले की केयर करेंगे, अपने मसले को समझने की कोशिश करेंगे कि किन खास किस्म की डाइट लेने से गले में ख़राबी होती है और कैसे ठीक होता है, तो वो ख़ुद से अपने गले के इस मसले को अंडरस्टैंड करेंगे और ज़रा केयरफुल लाइफस्टाइल यानी कि खाने पीने में एक ख़ुद से ही एक बंदे को सिलेक्शन करें और केयर करें, तो उससे ये इस मसले तक काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनको जो स्टमक से रिलेटेड, जब स्टमक में ज़्यादा हीट या तेजाबियत ज़्यादा बन जाती है तो जो सोफेगस या फूड पाइप लूज़ हो जाते हैं, तो अक्सर जो उसके बुखार आते हैं वो गले को पकाए रखते हैं। तो ये पेशेंट भी काफ़ी डीट किस्म की ये सिम्टम्स होती हैं, क्योंकि ना तो स्टमक का रिफ्लक्स का मसला सही हो रहा होता है और ना ही उनका गला ठीक हो पा रहा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इनको फिर हम गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेते हैं और उनमें
डाइट्री मॉडिफिकेशंस करते हैं, जैसे अगर डाइट्री मॉडिफिकेशंस का मतलब ये है कि रात का जो खाना उन्होंने खाना है सोने से मिनिमम 3 घंटे पहले खाएं, सिरहाने वाली साइड ऊंची रखें, और कुछ इन्फो ऐसे फॉर पेशेंट एंटीसिड्स और स्टमक से जो PPIs जो होते हैं कैप्सूल वो कोर्स करवाएं, तो ये भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म ऐसे पेशेंट्स के को हम रिकमेंड करते हैं कि वो डाइट्री मॉडिफिकेशंस पे, यानी कि तली हुई चीज़ें जो मिर्च मसाले और इन चीज़ों से एहतियात बरतें। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनमें प्रॉपर इन्फेक्टिव एपिसोड्स हो जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट को गले पकेंगे, बुखार हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स ले गए और फिर ठीक हो जाएगा। तो ये एपिसोडिक गला ख़राब होता है, और इसमें गला ख़राब होने की वजह बाज़ का बदपरहेजी होती है, बाज़ का बग़ैर बदपरहेजी के भी एक ख़ास ड्यूरेशन 2-3 महीने के बाद गला पकेगा, बुखार हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स ले गया, तो इस रिपीटेड साइकिल्स को हम रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस कहते हैं या टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो याद रखिए ये जो टॉन्सिलाइटिस होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, इससे बार बार गले पड़ते हैं, इससे बार बार बुखार होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर होती है, बार बार एंटीबायोटिक्स की वजह से ओवरऑल सेहत पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनको सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में टॉन्सिलेक्टमी करें तो ये जितने भी इन्फेक्टिव एपिसोड्स है इस पे मसला हल हो जाता है, और डॉक्टरों के विज़िट ख़त्म हो जाएंगे, बार बार जो एंटीबायोटिक्स के कोर्स लेने पड़ते हैं वो सही हो जाएगा। तो ये जो डिसीजन लेना होता है टॉन्सिलेक्टमी का, ये हम बड़ा केयरफुल इसका डिसीजन लेते हैं, क्योंकि टॉन्सिलेक्टमी करने का एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया है, गाइडलाइंस बने होते हैं, और हर मरीज़ को टॉन्सिलेक्टमी की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होती। अंटिल अनलेस पेशेंट को इन्फेक्टिव एपिसोड्स हो, बुखार हो, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत हो, तो ऐसे पेशेंट्स में कुछ हम ब्लैब्स टेस्ट करते हैं, उससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये वाकई टॉन्सिलाइटिस है, तो ऐसे पेशेंट्स में 100% उसको फ़ायदा होता है। लेकिन याद रखिए, अगर हम किसी ऐसे पेशेंट की टॉन्सिलेक्टमी कर दें जिसको गले में एलर्जी है, जिसी को रिफ्लक्स इन्फो से फॉर रिलेटेड सिम्टम्स पेशेंट है, और वैसे पेशेंट को ओवरऑल जो माहौलियाती आलूदगी से नाक और गले में इन्फेक्शन होती है, तो ये बहुत पुअर रिजल्ट वाले पेशेंट्स होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को टॉन्सिलेक्टमी का हरगिज़ फ़ायदा नहीं होता, उनको ऐसे ही जो एलर्जिक एपिसोड्स वो होते रहते हैं, और ये पेशेंट्स हम इनको हम मेडिकली ट्रीट करते हैं। तो ये तो थी हमारी आज की ये टॉक, और इसके बारे में अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर हमसे पूछें, हम आपको रिप्लाई करते हैं।